नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चुंदेल। तमिलनाडु के कुंदूर में 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने की वजह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य रक्षाकर्मियों का निधन हो गया। भारतीय वायुसेना के उस MI-17 हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें सिर्फ एक की ही जान बची। वो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, लेकिन उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। आपको बता दें, जम्मू के शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए CDS जनरल बिपिन रावत और अन्य रक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। चीफ ऑफ डिफेंस मतलब जनरल बिपिन रावत, उनकी अचानक से डेथ होना, उनके साथ साथ उनकी वाइफ और 11 ऑफिसर्स जो हमारे और थे, उनकी भी डेथ हुई चॉपर क्रैश में जो नीलगिरी हिल्स हुआ तमिलनाडु में। ऐसे बहुत अचानक से सब कुछ हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारी हुई थी उस टाइम पर भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ में हमारी कंट्रीज में जितने भी मतलब हमारी कंट्रीज में ऐसे हमले जिनसे कि हमारी कंट्री को बहुत नुकसान हो सकता था, उसमें भी उन्होंने उन नुकसानों को बचाने में भी बहुत हेल्प किया। तो अचानक से उनकी डेथ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमारी डिफेंस के लिए नहीं बल्कि पूरी कंट्री, इवन पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को CDS रावत ने ही अंजाम दिया था। किस्तान को सीज फायर तोड़ने पर कड़ा जवाब देने का आदेश भी जनरल बिपिन रावत ने सेना को ही दिया था। आपको बता दें, आज पूरा देश भर में लोग CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एक स्कूल में भी CDS जनरल बिपिन रावत को बच्चों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी छात्राएं हाथ में दिव्यांग CDS जनरल बिपिन रावत की तस्वीर लिए दिखे। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सभी लोगों के लिए स्कूल की छात्राओं ने मोमबत्ती भी जलाई। इसके साथ ही उन्होंने एक मेज पर फूलों से श्रद्धांजलि भी लिखा। सभी की आंखें देश के पहले CDS को खोने से नम थीं। ये ऐसी खबर है, ये ऐसा जिससे उबरने में वक्त तो लगेगा, क्योंकि CDS जनरल बिपिन रावत वो शख्सियत थे जो हमारे देश की सेना को, हमारे देश के जवानों को आज के सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे थे। जनरल रावत बार बार कहते थे कि इस बार कॉन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, दुश्मन आमने सामने की जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि भविष्य में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के लिए तैयार रहना होगा। केमिकल और वेपन्स के अटैक के लिए भी खुद को रेडी करना होगा। इसके लिए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मजबूती से काम भी किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।